हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्लोप पर कार कैसे आगे बढ़ाएं अगर रुक जाती है तो। ये जो है बहुत लोगों का प्रॉब्लम है जो कि हमारे साथ सर हैं। आज हम इनको बताएंगे कि अगर आपकी कार रुक जाती है तो आपको कैसे जो है आगे बढ़ाना है कि एक भी इंच कार आपकी पीछे ना आए, जो कि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। वो ट्रैफिक में चलते हैं तो उनकी कार पीछे आ जाती है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें और 100% है कि ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों की ये नहीं होगी, कार पीछे नहीं आएगी स्लोप पे चढ़ाते वक्त। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कार आपकी रुकी है, ठीक। अब जब आप यहाँ पे ब्रेक छोड़ेंगे तो कार कहाँ जाएगी? पीछे। ब्रेक छोड़िए, देखिए पीछे जा रही है, ठीक। अब हमें कार को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रेक दबा के रखना है, ठीक। क्लच आप दबाए हैं, अब यहाँ पे वन गियर लगाइए, बीच में लगाइए, बीच में लेफ्ट आगे, ठीक। अभी आपको यहाँ से ब्रेक से पैर नहीं हटाना है। पहले क्लच को हाफ लेके आइए, जहाँ से कार हल्की सी मूव करे बस, ठीक। अब ब्रेक से पैर हटाइए, देखिए कार कहीं जा रही है आगे पीछे। आप ब्रेक दबाए हैं? नहीं, पैर किस पे है? एक्सीलेटर पे, ठीक। अगर क्लच हाफ रहेगा तो ना कार आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ठीक। और इतने क्लच पे आप चाहे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार आपकी कहीं नहीं भागेगी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कहीं भी कार आप रोक रहे हैं तो ब्रेक से पैर तभी हटाना है जब हमारा क्लच हाफ हो जाए, ठीक। अगर क्लच हाफ नहीं रहेगा, क्लच आपका हाफ दबा रहेगा तो क्या होगा, कार आपकी पीछे जाएगी, ठीक। अब ब्रेक छोड़िए, देखिए कहीं नहीं जा रही है कार आपकी। अब हल्की सी आगे बढ़ानी है तो हल्का क्लच ऊपर लेके आएंगे बस, फिर क्लच दबाइए नीचे, पूरा रुकना हुआ पूरा क्लच दबा लिए आप। अब यहाँ पे ब्रेक दबाइए, ठीक, रुक गई कार, है ना। अब फिर जब आप ब्रेक छोड़ेंगे तो कार कहाँ जाएगी? पीछे 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 जा रही है, ब्रेक लगेगी फिर, ठीक। ये समझ में आया आपको पहला पॉइंट, ठीक। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, पूरा क्लच दबा दिए आप, पूरा दबा लीजिए, ठीक। अब कार को पीछे जाने दीजिए, ले जाइए पीछे और पीछे। अब ब्रेक लगाइए, ब्रेक ब्रेक, ठीक। अब यहाँ पे कार आपकी रुक गई है ना। अब फिर हमें कार को आगे बढ़ाना है तो आप पहले ब्रेक से पैर मत हटाइए, पहले क्लच आप बनाइए हल्का बस, ठीक। जहाँ से वाइब्रेशन आई उसी पे पैर आपको होल्ड रखना है। अब ब्रेक आप छोड़े, देखिए कार रुकी है ढलान पे, न कार कहीं आगे पीछे कहीं नहीं जा रही है, ठीक। अब इतने क्लच पे आप एक्सीलेटर दबाइए, देखिए कहीं नहीं कार भागेगी आपकी। भाग रही है? नहीं, आवाज कर रही है, ठीक। तो मतलब ये आपको ध्यान देना है कि क्लच हमारा नीचे न दबे, ठीक। अगर नीचे दबेगा तो कार जाएगी पीछे, ठीक। ये आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए, क्लच हाफ बनाइए, हाफ बस, ठीक। केवल क्लच पे कार आप रोक सकते हैं, ठीक है। अब हल्की सी बढ़ानी है, हल्का ऊपर लेके ही केवल बस। अब इतने ही क्लच पे आप ब्रेक लगा लीजिए बस, क्लच नीचे मत दबाइए, ब्रेक को लगाइए इतने ही क्लच पे, रोक लीजिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आगे पीछे ट्रैफिक है, ठीक है, और आपको कार को आगे बढ़ाना है तो क्लच को बीच में रखिए, केवल ब्रेक आप छोड़िए, देखिए कार आगे जाएगी, जा रही है, ठीक। अब फिर ब्रेक लगाइए, ब्रेक, ठीक। और इतने क्लच पे आप चाहे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार आपकी भागेगी नहीं, ठीक है, जब तक हमारा क्लच ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अब फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, क्लच दबा लीजिए पूरे नीचे, अब ब्रेक छोड़िए, देखिए कार जा रही है पीछे, ठीक। अब यहाँ पे ब्रेक लगाइए, ब्रेक रुक गई कार, अब यहाँ पे लगाइए हैंड ब्रेक, बटन को नहीं दबाना है, केवल हैंड ब्रेक को ऊपर खींचना है, ठीक है, वो भी बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम से, है ना। ये हैंड ब्रेक लग गया, अब हमें यहाँ से कार बढ़ानी है तो ब्रेक से पैर आप हटा दीजिए, ठीक। अब पहले क्लच को लेके आइए हाफ हाफ बस, ठीक है, जहाँ पे हाफ आया तब इसको हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है, ये बस, देखिए कार आगे पीछे जा रही है नहीं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया तीनों पॉइंट। कहीं भी आपको जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे आप क्लच और ब्रेक से रुक लिए ढलान पे, और क्लच से पैर क्लच को हाफ तक लेके आना है, जब क्लच हाफ हो जाए तब आपको जो है ब्रेक से पैर हटा देना है, ठीक है। तो आपकी कार कहीं भी स्लोप पे पीछे नहीं आएगी, ठीक है, आगे पीछे एक भी इंच कार आपकी आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप तीनों टिप्स याद किए रहिए, कभी भी एक भी इंच कार पीछे नहीं आएगी। फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।